मीरपुर कॉलोनी के गुरुद्वारा दमदमा साहिब में मुख्य प्रबंधक गुरदीप सिंह गुलाटी की अध्यक्षता में बाबा श्री चंद जी का प्रकाशोत्सव सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मनाया गया, जिसमें कुछ ही गुरु प्यारों ने भाग लिया, गुरबानी सुनी और लंगर भी चखा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जगत जगंदा रख ला अपनी कृपा तार। तन तन पहली पातशाही गुरु नानक देव महाराज के वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद महाराज जी का अज प्रकाश दिहाड़ा गुरुद्वारा दमदमा साहिब विखे बड़ी धूमधाम मनाया गया। यह धरती असल दे विच ही पठानकोट की बाबा श्री चंद महाराज की है, क्योंकि इन्होंने बाड़सा विखे 62 साल तपस्या की है। उसके नाल एक पठाना चक है, उसके नाँ के उत्ते ही पठानकोट नाम रखा गया। असीं सच्चे पातशाह अगे अरदास बेनती तरला मिंत करते हाँ कि जेड़े जहान के उत्ते, देश के उत्ते, पंजाब के उत्ते, पठानकोट के उत्ते जिहड़ा हालत बनी पई है, सच्चे पातशाह जी वह आप जी के जन्म दिहाड़े से समूह संगत वालों अरदास बेनती करते हाँ कि आप जी के जन्म की लख लख वधाई होवे। समूह इलाके संगतों इस दी कोरोना तो बचाओ बहुत बहुत वधाइया, संगतों बहुत बहुत वधाइया। गुरुद्वारा दमदमा साहिब विखे बड़े धूमधाम मनाया गया, जिस विच भाई साहब भाई राजन सिंह सोहन सिंह के कीते जत्थे ने कीर्तन संगतां नाल कीता। भाई साहब जी ने बाबा जी दे जन्म दिहाड़े ते चानना पाया। असी समूह नगर निवासी पठानकोट दे संगतां नूं इस शुभ दिहाड़े ते लख लख वधाई दिंदे आ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।